स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहली थी हिस्ट्री। हिस्ट्री में अलग अलग साइंटिस्ट आ गए, थॉमसन, रदरफोर्ड, ठीक, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये सब आ गए नोट्स आज भी। फॉलोड बाय थॉमसन रदरफोर्ड के बाद आया कि भी वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो उसके लिए हमने डिस्कस किया। वो वेव जैसे साउंड वेव, वाटर वेव होती है, ऐसे ही लाइट वेव थे। तो वो वेव जो एक डायरेक्शन में खुद प्रोपोगेट कर रही हैं, चल रही हैं, और उसके परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चल रही हैं। सच वेव्स आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये स्पीड ऑफ साउंड से चलते हैं, मतलब यहाँ वेलोसिटी आपको अगर नहीं गिवन है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड मान, और ये बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सकती हैं। जैसे सन से हम तक लाइट आ रही है, बीच में कई जगह मीडियम नहीं थी, तो दैट वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हमने डिस्कस किया कि इसका एक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी एक स्पेक्ट्रम है। तो हमने कहा पहले हमें पता होना चाहिए भाई वेव के कैरेक्टर्स क्या हैं, वेव किसे कहते हैं, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो वेवलेंथ थी, तो जिसको जनरल भाषा में डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ कह देते हैं, या एक वेव जब मूव करती है तो वो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्योंकि एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में आपको यूनिट्स में लिखना है, तो अगर पिकोमीटर है तो मीटर में जरूर चेंज करिए, आर्मस्ट्रांग है तो मीटर में चेंज करिए। स्पेशली याद रखिएगा कि वेवलेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करें। फिर था वेव नंबर कि भाई एक यूनिट वेवलेंथ है, इस एक वेवलेंथ में कितनी वेव है, दैट इज वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन वन यूनिट वेवलेंथ, दैट इज 1/λ। तो वो वेव नंबर था, इसे न्यू बार से शो करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, तो न्यू बार इज 1/λ। फिर आया टाइम पीरियड, आपने जो एक वेव बताई है वो एक वेव पूरी होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। और फिर कॉमन सेंस है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स मूव कर सकती हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल या 1/time period फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होता है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो कर देते हैं और 1/new इज नोन एज टाइम पीरियड, या उल्टा कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी इज 1/time period, और फ्रीक्वेंसी इज साइकिल्स पर सेकेंड, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हर्ट्ज। तो एक वेवलेंथ टर्म हो गया, एक वेव नंबर हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गया। फिफ्थ वन इज वेरी कॉमन, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को आप कह सकते हैं लैम्डा, और टाइम को आप कह सकते हैं 1/time को आप कह सकते हैं, दैट इज न्यू। तो वेलोसिटी इज न्यू इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन या अधिकतर क्वेश्चन इससे। तो ये वेव के कैरेक्टर आए। एक और कैरेक्टर होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जिसकी अभी कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वो जो मैक्सिमम क्रस्ट के लिए जो डिस्टेंस आई है, या मिनिमम इधर आई है ट्रफ में, तो दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये वेव के कैरेक्टर से हमें वेव क्लियर हो गई, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया कि इसमें एक रेडियो वेव है जिसकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में हो सकती है। ऑब्वियसली रेडियो स्टेशन से छोड़े जाने वाली वेव, वो एक एक वेव बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। और ऐसे ही अगर हम स्पेक्ट्रम में पीछे आते जाएंगे तो विजिबल रीजन भी आएगा। विजिबल रीजन में एक पार्ट है, या विजिबल रीजन को हम फिर 7 parts में बांट सकते हैं, दैट इज विवियोर, ठीक है। तो ये जो विजिबल का विवियोर है, दैट इज वॉयलेट टू रेड का पार्ट है, और उससे भी कम वेवलेंथ यानी हाई फ्रिक्वेंसी में गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ठीक है। दे आर वेरी हाई एनर्जी वेव्स और ऑब्वियसली हार्मफुल। नेक्स्ट हेडिंग वेवलेंथ वेव्स के बाद आया हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वेव हमने पढ़ लिया, और वेव अभी तक ये था कि इट इज ए कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। प्लैंक ने कहा ना रुको भाई, रुको अभी, रुको जरा। क्या कहा प्लैंक ने? ये नहीं कहा रुको जरा, प्लैंक ने ये कहा कि ये जो वेव हैं ये भी डिसकंटिन्यूअस हैं, ये आपको कंटिन्यूअस लगती हैं बट इसके अंदर भी स्मॉल पैकेट होते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस आप कह रहे हो ये 100% कंटिन्यूअस नहीं है,
इसके अंदर भी कुछ पैकेट्स हैं, जैसे न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, कई साइंटिस्ट ने पहले भी कह रखा था कि कॉर्पसल वर्ड न्यूटन ने यूज किया था लाइट वेव के लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए, औरों ने भी यूज किए हैं। तो इनका कहना था भाई, प्लैंक ने ये कहा कि ये जो वेव है इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर और यू कैन से कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम, बहुत सारे छोटे पार्टिकल इसमें हैं जिनमें एक पार्टिकल को हमने क्वांटम कह दिया, बहुत सारे आगे क्वांटा कह दिया, उनसे मिलके ये वेव बनी है और वो कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, इसलिए आपको वो बार बार चलते हुए दिख रहे हैं, आजकल आपको गैप नहीं दिख रहा। कहा गया भाई प्रूफ करके दिखाओ कि इसमें गैप है दो पार्टिकल के बीच में। उसने कहा प्रूफ हो जाएगा, वेरी सिंपल प्रूफ। कैसे? उसने कहा देखो भाई, हमारा एक पार्टिकल जो है ना उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक पार्टिकल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोले फिर? तो बोले ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, E equal to h nu आ गया या hc upon lambda आ गया, क्योंकि हम जानते हैं c is equal to nu into lambda, तो nu is equal to c upon lambda, तो यहाँ nu की जगह c upon lambda put up करते ये आ गया। बोले अच्छी बात है, फॉर्मूला आपका समझ में आ गया, आगे बताएं। तो उसने कहा कि अगर आप यहाँ पर ये एक वैल्यू रखेंगे, दैट मीन लैम्डा की कोई एक वैल्यू रखेंगे, तो एनर्जी आ जाएगी हमारे एक फोटोन की, एक फोटोन की मुझे एनर्जी पता लग जाएगी जैसे आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। सपोज मैं आपको एक सरल भाषा में कह रहा हूं, इतनी वैल्यूज होंगी नहीं, एकदम सरल भाषा में कि एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है, सरल भाषा में चेंज करके कह रहा हूं, एक फोटोन की या एक क्वांटम, मतलब फोटोन तो यूज किया था लाइट के लिए, लाइट वेव्स के लिए, तो वो सरल भाषा है इसी की कि एक क्वांटम या स्मॉलेस्ट यूनिट जो है फोटोन जिसे कह रहे हैं उसकी एनर्जी मान ली, उसकी एनर्जी मान ली हमने 10 रुपए का एक नोट, 10 रुपीज वाला एक नोट जो है वो उसकी एनर्जी है। सपोज नोट तो बस ये समाज दिमाग में आपके आए, 10 का एक नोट है, तो उसने कहा अब 10 के नोट की गड्डी को यूं करके उड़ा दिया, वो वेव की फॉर्म में चल रही है। तो भैया क्या 11 वाला आएगा, 12 का नोट आएगा, 15 का आएगा, 18 आएगा, 10 के बाद 20 मिल सकता है, 20 के बाद 30 मिल सकता है, 30 के बाद 40 मिल सकता है, लेकिन इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा देखो भाई एक ऐसी वेव निकाल देते हैं जिसमें पार्टिकल जो से हैं उसकी वेवलेंथ इतनी हो। फिर उसने उस पार्टिकल की वेवलेंथ की वेव कॉल कराई, तो उसने कहा आप कहीं पे भी वेव के कितने भी पार्टिकल्स को जोड़ के अगर टोटल वेव की एनर्जी निकालेंगे तो देख लीजिए इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में आ रही होगी। मतलब अगर उसने 10 के नोट की बात की है तो उसने कहा आप जोड़ लो टोटल एनर्जी वेव की निकाल के देख लो कितनी आ रही है, तो वो जो टोटल एनर्जी आ रही थी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वन पार्टिकल्स एनर्जी आ रही थी। तो वहां से एकदम प्रूफ हुआ कि भैया 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, बीच की वैल्यू आई नहीं, इसका मतलब ये पार्टिकल्स में ही काम चल रहा है, दो पार्टिकल के बीच में गैप है, क्योंकि सारी वैल्यूज नहीं मिल रही, और अगर सारी वैल्यू मिलती तो कंटिन्यूअस मानते, कुछ वैल्यूज मिल रही हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस है, सो वेव इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, वेव इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो होपफुली आपको अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी PQT कुछ क्लियर हो, क्योंकि कल बच्चों ने एक मैसेज भी भेजा था और कहा भी था कि एक बार फिर से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज वेव, वेव क्या है, वेव समझ में आ गया। फिर ये हुआ कि भैया वेव जो है वो कंटिन्यूअस है ही नहीं, वो भी डिसकंटिन्यूअस है, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने फैन का लिया था कि भैया फैन के 3 विंग्स दिख रहे हैं, ब्लेड्स दिख रहे हैं, लेकिन फैन चलता तो नहीं दिखते, और ये तो कुछ भी स्पीड से नहीं चलता, जो वेव चल रही है तो बहुत स्पीड में, और जो इसके तो विंग्स फिर भी बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जब वो बहुत तेजी से चलेंगे तो ऑब्वियसली बीच का गैप नहीं दिखता। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या प्रूव किया, उसने कहा ये जो वेव है ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो PQT प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या आई, एनर्जी ऑफ एनी क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और अगर टोटल एनर्जी ऑफ वेव निकाल रहे हैं तो ई टोटल लिख देते हैं और ये एन टाइम्स एच न्यू कह देते हैं और ये एन टाइम्स एच सी अपॉन लैम्डा कह देंगे। ऑब्वियसली कई लोग प्रेफर करते हैं एच इंटू सी को मल्टीप्लाई करके याद कर लो, क्योंकि ये बार बार वैल्यू यूज करनी है। ओके, अगर आप याद कर सकते हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, तो आप h की वैल्यू लिखिए, c की लिखिए, कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³⁴,
और सी आपका 3×10^8 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके वट एवर द आंसर वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ रही है एनर्जी जूल में, दैट इज एनर्जी ऑफ वेव। और इसका एक जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैंने कल लास्ट में कराया था, जो टीचर्स का बहुत फेवरेट है, वो क्या है कि एक बल्ब जल रहा है 400 वॉट का, ठीक है, 400 वॉट का बल्ब जल रहा है। फिर वो कहेंगे बताओ भैया इससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है लेट सपोज 500 picometers। तो बल्ब की वॉटेज है 400, लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ है 500 picometers। कहेंगे हाँ भाई बताइए एक सेकंड में कितने फोटोन दे रहा है। तो हम कहेंगे इसमें फॉर्मूला लगेगा E=n×hc/λ। आपको एनर्जी दे रखी है 400 वॉट, तो यानी 400 जूल पर सेकंड एनर्जी हो गई। वॉटेज का मतलब तो यही होता है ना, जूल पर सेकंड। वॉट तो पावर की यूनिट है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की यूनिट जूल हो गई, टाइम की सेकंड। तो 400 वॉट का अगर बल्ब था तो 400 जूल पर सेकंड एनर्जी दे रहा है। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने होंगे, एच और सी एक कॉन्स्टेंट है, आपने वो वैल्यूज रख देनी है, और अगर आपने मल्टीप्लाई याद कर रखा है तो वो वैल्यू रख दीजिएगा वॉट एवर। और लैम्डा लेट सपोज मैंने 500 कह दिया है, तो 500 अगर पिकोमीटर है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा इसे मीटर में चेंज करें। यहां से आ जाएगा n, एंड दिस n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने आएंगे। क्यों? क्योंकि आप चेक करो, इसकी यूनिट है जूल सेकेंड, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये जूल यहाँ के जूल से कैंसिल हो गया, ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो गए, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गए, तो सारी यूनिट्स कैंसिल हो जा रही, खाली ये बच रहा है सेकेंड। तो यहाँ आंसर आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल इमिटिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में बल्ब कितने पार्टिकल इमिट कर रहा है। ये न्यूमेरिकल मान के चलिए फर्स्ट टर्म के एग्जाम में टॉप फेवरेट, मतलब हॉट फेवरेट है, और दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग का भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों से गलती होती है। फर्स्ट टर्म का पेपर या 11th के फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन 101% फिक्स हैं, जो आपको मिलने ही मिलने हैं, 101% मिलते हैं। उनमें से ये क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एज वॉटेज वाला क्वेश्चन, कि एक बल्ब है इतने वॉट का है। तो पहली हेडिंग हमारी अब खत्म होती है, विच इज टर्म्ड एज वेवलेंथ एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा भाई पार्टिकल नेचर है, वेव के अंदर भी पार्टिकल नेचर है, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल नेचर है, इसे प्रूफ करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगली हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी कहते हैं, यहां से जो निकलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। बहुत छोटी सी थ्योरी है इसमें बेटा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी है, एक बार ही में समझ में आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा कंसेंट्रेशन से सुनोगे तो एक ही बार में आ जाएगी। बेसिकली इसे एक एग्जाम्पल से पहले मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज आपने कोई प्राणी देखा, कोई ये वर्क कर रहा है किसी के यहाँ, ठीक है, मान लो ये मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं किसी लाला के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, वॉट एवर, ये मेरे मालिक हैं, ठीक है, ये मैं हो गया, ठीक है, मैं मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, डन। आपने कहा यार ये नौकर तो हमें पसंद आ रहा, ये नौकर हमें चाहिए, ठीक है, आपने कहा ये नौकर हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली आप मेरे पास आए, क्या तनख्वाह मिलती है, हमने कहा तनख्वाह बनकर देखो कुछ नहीं मिलती यहाँ, हमने मालिक से किसी जन्म में उधार लिया था, मतलब कुछ समय पहले उधार लिया था, ठीक है, वो चुका ही नहीं पाए, डॉलर में लिया था, डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं जब हम चुकाने जाते हैं, डॉलर और बढ़ जाता है, वॉट एवर, तो अभी तक चुका नहीं पाए वो। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसे ही देने हैं ना, फिर तो तुम हमारे यहाँ आ जाओगे, ठीक। आप पहुंच गए यहाँ, हमने एज आए, तुमने काय उसे रोक के रखा है, ये क्या है तुम्हारे इसके बीच में बॉन्ड, क्या है, क्यों रोक रहे हो। तो उनने कहा भाई ऐसा है, इसने मुझसे, लेट सपोज कोई एक एक्स वैल्यू, इनने मुझसे $5,00,000 लिए थे, ठीक है, रुपए वुपे नहीं लेते हम, $5,00,000 लिए थे, दे देगा, ठीक है। अब क्योंकि तुम भी एक इंडियन टाइप के आदमी हो, तो तुमने पहले बार्गेन करने की पूछी, ऐसा है $4,00,000 ले लो नौकर छोड़ो, नहीं माना मालिक, $4,50,000 ले लो नौकर छोड़ो, नहीं माना, 4.80, 4.90, 4.95, 4.99, नहीं माना, आखिर में हट पागल गई, लियो
$5,00,000 तुम्हारे मुंह पे मारे। तुमने, अब तुम पे डॉलर कहां से आए यार, तुमने तो रुपीज ही मारे जिसमें गांधी जी बने हुए थे, लेकिन उसको कन्वर्ट करके, करेंसी को कन्वर्ट कर लिया, करेंसी को कन्वर्ट करके इसे दे मारे मुंह पे भाग तेरी। तो जैसे ही इसके मुंह पे दे मारे, जैसे जिस मोमेंट पे तुमने यहां से पैसे दे मारे और उसी मोमेंट पे ये बॉन्ड खत्म, हट तेरी तो, भाग यहां से। ठीक है, तो उसी मोमेंट पे ये बॉन्ड क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे तनख्वाह दे दी हो गए हो, ठीक है, उधार निबट गया है। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता चला ये उधार खत्म हो गो, ये अट्रैक्शन गयो। बोलो बेटा क्लियर है, वैल्यू सारी ध्यान रखना, अभी इंटर कन्वर्ट कराऊंगा। फिर तुम घर आए, तुमने दिमाग लगाया कितने पैसे खर्च हो गए, $5,00,000 दिए, खर्चा कितना हो गया, तुमने एक अंदाजा लगाया। ठीक है, वैल्यू थोड़ी सिंपल कर रहा हूँ, 5 लाख इंटू, कौन पंगे बड़े, सीधा 100 रुपए का कर दे रहे हैं, जैसे हरकतें हैं इंडिया की, 100 का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये 500 लाख रुपीज तुम्हारे खर्च हो गए नौकर खरीदने में। ठीक है, 500 लाख ये तुम्हारे खत्म हो गए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, सारी हंसी गुम, सारा चेहरा नॉर्मल, ओए पैसा ज्यादा खर्च हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नौकर तो खरीद लिया, तो इतने रुपए तुमने खर्च कर लिए। कोई डाउट है यहाँ, कोई डाउट नहीं। अब तुमने हमें बता भी दियो है, ये बॉन्ड खत्म भी हो गए हो, और तुम बताने के बाद निकल लिए यहाँ से, बोले ठीक है घर आ जाना, ठीक है तुम्हारा पेमेंट हो गया, आप हमारे घर आ जाना, आप पिक्चर से निकल लिए, डन। आपने पूरा दिन घर पे इंतजार किया, नौकर पहुंचाई, अब आपकी जान निकली, 500 लाख रुपए चले भी गए हैं, नौकरी नहीं आ रही, क्यों नहीं आया। फिर आप आए यहीं वापस लौट के, जब ये नौकर कहाँ है, नौतर क्यों नहीं आया मेरा, तो ये देखा आपने, ये जो नौतर था, जो नौतर अभी यहीं बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है, भैया क्यों नहीं गया, इसने कहा वहां क्यों नहीं आया, इसका सिंपल कहना था आता काय से, अबे यहां से आगे जाने के लिए भी तो एनर्जी दो, रिक्शे से आऊं, टांगे से आऊं, कैब करके आऊं, हवाई जहाज से आऊं, कितनी दूर आना, कैसे आऊं, काय से आऊं। तो लेट्स सपोज अगर आपका वॉट एवर द डिस्टेंस आपका घर यहां तक है, और अगर आप इसे 100 रुपए दे रहे होते, बड़े कंफ्यूज हो यार, यहाँ लाखों दे दिए, 100 रुपए दे रहे होते तो शायद ये रिक्शा करके आ जाता। ठीक है, लेट सपोज रिक्शे से 100 रुपए लग रहे, अगर आप इसे लेट सपोज 10,000 देते तो ये कैब कर लेता। ठीक है, 10,000 रुपए देते इसे तो ये कैब कर लेता यहां तक आने के लिए, कब जल्दी आता, कब जल्दी आता, ऑब्वियसली कैब करता तो जल्दी आता रिक्शे से ये। ठीक है, अब एक आ जरूर बैठा होता है जो सिर्री दिमाग का होता है, अगर हमारा घर गलियों में है तो रिक्शा जल्दी चले जाएगा, कार नहीं जाएगा। बेटा तुम्हारी सोच ही ऐसी है, इसलिए तुम नहीं कर पाओगे ये 500 लाख रुपए वाली हरकतें, तुम सोचना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो 500 लाख खर्च कर रहा है, गलियों में घर है उसका, सोचना छोड़ दो, ये सोच के बाहर की बात है तुम्हारे, तुम खाली एग्जाम्पल को देखो, दिल पे मत लो। ठीक है, क्योंकि एक आप जरूर होता ना, एग्जाम्पल को केमिस्ट्री से कम सोचने की कोशिश करता है, मुझे फंसाने के लिए ज्यादा कोशिश करता है, या मजे ज्यादा लेने की कोशिश करता है। ये पूरा भी केमिस्ट्री में लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बिल्कुल, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई होप सो इतना अच्छा क्लियर होगा, जब भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा, आई गारंटी यू, अगर दिमाग में ये स्टोरी वापस आ गई, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना, टाइम भी नहीं लगना, टाइम तो क्या, मैथमेटिक्स तो उतनी ही लगेगी, बट कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट होगा। चलिए, लौट के आए आप, फिर आए यहाँ पे, और आते ही शुरू होगा चिल्लाना भौंकना टाइप का, या बे पैसे दे दिए घल नहीं आला मिले, कब आएगा घर, ये वो तो समझाया। तो अगर आपने इस अमाउंट को यहां डिलीवर किया था, तो यहां डिलीवर करने पे ये अट्रैक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन क्या ये आगे बढ़े, क्या इन बाबूजी को, इन सर्वेंट्स आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली, ना मिली, इनकी काइनेटिक एनर्जी 0। और अगर तुम इस अमाउंट से कुछ बढ़ाते, कुछ थोड़ा बढ़ाते, तो भैया थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आती, और इस अमाउंट से कुछ ज्यादा बढ़ा के दे रहे होते यहाँ पैसे, तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी यहाँ आती। मतलब तुम जितनी एनर्जी ज्यादा बढ़ाते जाते, जितनी एनर्जी तुम ज्यादा बढ़ाते जाते,
तो बेसिक वैल्यू के बाद, ये तो बेस प्राइस है, इस बेस प्राइस के बाद तुम जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतनी इस महाशय की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उतनी ये महाशय तेजी से बाहर आएंगे, ठीक है। और अगर ये सारी एनर्जी लेके आ गए, बची हुई सारी एनर्जी, तो वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो आपके लेवल में नहीं है, जो फिजिक्स वाले पूछते हैं केई मैक्स। तो केई मैक्स मतलब इस बेस प्राइस के अलावा जितनी भी वैल्यू बची है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में चलेगी, तो केई मैक्स, जबकि ऐसा होगा नहीं, इससे हमेशा कमी रहती है वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसको चाहे आपने दे दिए 5 लाख बेस प्राइस, ये अलग हो गए, और उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है क्या वो पूरी इसे मिल जाएगी? अरे भैया ये यहाँ नौकरी कर रहा है, और भी तो नौकर हैं, वो कहेंगे अबे जा रिया है पार्टी छाटी दे के जा, थोड़ी बहुत एनर्जी वहीं खर्च हो जाती है। मतलब ये अभी क्लियर करेंगे, ये बाकी नौकर किसे हम कह रहे हैं, ये बाकी नौकरों के साथ पार्टी छाटी करेगा, वो अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो पिक्चर आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे। पहले एक बार पिक्चर क्लियर करा रहे हैं, व्हाट इज द पिक्चर। एक पर्सन है जिसने कुछ लोन ले रखा है, डॉलर्स में ले रखा है, व्हाट एवर द वैल्यू, और आपको वो पर्सन चाहिए। तो आपने कहा भैया कितने रुपए दें? तो उसने कहा भाई मैं डॉलर में जानू, मुझे रुपए तो पता है, मुझे तो इतने डॉलर चाहिए, क्योंकि वो कन्वर्जन से चेंज हो रहा है ना, तो उन्हें मुझे तो इतने ही डॉलर चाहिए। आपने रुपए में कन्वर्ट करके व्हाट एवर पैसे उसके मुंह पे मारे और आदमी छुड़ा लिया। लेकिन आदमी छूटने के बाद भी उसको काइनेटिक एनर्जी तभी मिलेगी कि उस बेस प्राइस जो पहले आपने दिया है उससे ज्यादा वैल्यू दे तभी। और जितनी वैल्यू आप एक्स्ट्रा वाली देंगे उस वैल्यू से उसे काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है मैक्सिमम। बट ये देखा गया है प्रैक्टिकली 100% वो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होती, वो खाली थ्योरी कहती है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, नहीं आती प्रैक्टिकल, क्योंकि कुछ एनर्जी वहीं लैप्स हो जाती है, ठीक। नाउ द पॉइंट इन केमिस्ट्री, ये एक ट्यूब है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और ये कनेक्टेड है ऐसे, और यहाँ लाइट सोर्स है, ये एक मेटल प्लेट है। इस लाइट सोर्स को जब हम यहाँ डालते हैं तो ये देखा गया इस लाइट सोर्स जैसे ही इस प्लेट पे पड़ती है कि बैटरी चार्ज होने लगती, यानी यहाँ करंट फ्लो करने लगा। मतलब आपने बाहर से लाइट डाली है, दैट इज सनलाइट और एनी काइंड ऑफ लाइट, और उस लाइट से बैटरी चार्ज हो रही है, तो दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सनलाइट से इलेक्ट्रिकल, सोलर सेल वो वाला काम हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली ये है। तो हुआ क्या, जैसे ही लाइट इसके ऊपर डाली गई, यहां इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अटैच थे, ये वही नौकर है, नौकर जिनकी तनख्वाह कुछ नहीं है लेकिन एक अटैचमेंट है कुछ उधार की वजह। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नौकर हैं, ये नौकर को जैसे ही लाइट डाली गई, ये लाइट क्या है, वो एनर्जी जो बाहर से तुमने पैसे दे मारे थे मुंह पे, ये जैसे ही लाइट आई और ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इज इट क्लियर? जैसे ही लाइट डाली गई, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन बाहर। लेकिन क्या ये, अगर मेटल, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं पोटेशियम है, और इस पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई एक मिनिमम वैल्यू तो चाहिए ना। उसने कह दिया यहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 जूल एनर्जी चाहिए, 500 जूल एनर्जी दो तो ये वाला फोर्स टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब तुम 450, 480, 499 जूल लेके रोते रहो, कुछ करते रहो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इसके ऊपर जब लाइट डाली जाएगी 500 जूल की, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। तो जैसे ही आपने 500 जूल का फोटोन डाला, ये अट्रैक्शन टूट गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, लेकिन करंट मिली जीरो। नोतर तो फ्री हो गया, लेकिन नोतर तेरे घर तक नहीं आया। क्यों नहीं आया तेरे घर तक नोतर? नोतर इसलिए नहीं आया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। इज इट क्लियर? अब वो पॉइंट आया डॉलर और रुपीज का कन्वर्जन, वो यहां पे क्या है भैया, जो लाइट आप बाहर से डाल रहे हो, वो जो लाइट आ रही है, उस लाइट की आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता होती है, और वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आप चेंज कर लेते हो एनर्जी में, ठीक है, याद है E इक्वल टू एच न्यू में चेंज कर लेते हो, लेकिन आपको पता क्या थी उस लाइट की, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो जो
मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ये जो लाइट है ना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की चाहिए होगी, समझ गए, समझ रहे हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एक लाइट चाहिए जो ये बॉन्ड तोड़वाएगी, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही कहा गया है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, थ्रेश होल्ड। तो थ्रेश होल्ड वर्ड अब आपकी लाइफ में कई बार इसके बाद आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, दैट इज बेसिक, एक बैरियर होता है वहां तक जाने को, मिनिमम एलिजिबिलिटी को थ्रेश होल्ड कह देते हैं, इसके ऊपर ही कहानी होनी, यहां तक नहीं होनी, ये थ्रेश होल्ड है। तो थ्रेश होल्ड इज अ मिनिमम, तो ये बेयर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि अगर लाइट में इतनी फ्रीक्वेंसी हुई तब वो लाइट इलेक्ट्रॉन निकालने के सक्षम है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो नहीं निकालेगी। इज इट क्लियर? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिपेंड्स ऑन मेटल। अगर यही मेटल आयरन का है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ और चाहिए, ये मेटल क्रोमियम का तो कुछ और चाहिए, लिथियम सोडियम है तो कुछ और चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, इस अट्रैक्शन पे। ये अट्रैक्शन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग है, मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस द अट्रैक्शन लेस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही अगर मैं एनर्जी में चेंज करना चाहूं तो मैंने इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल रख दिया न्यू नॉट, और एनर्जी में चेंज करने के लिए एच से मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी बन गई। इस एनर्जी का नाम रख दिया है वर्क फंक्शन। इस एनर्जी का क्या नाम रखा है, वर्क फंक्शन। तो बेसिकली क्या कोरिलेट करना था, डॉलर और रुपीज, इसे डॉलर मान लिया, डॉलर को किसी से मल्टीप्लाई किया तो रुपीज आ गए। तो यहां दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वर्क फंक्शन का क्या मतलब है, हर एक मेटल को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। ये वो लाला है जिस नौकर को तभी छोड़ेगा जब एक मिनिमम एनर्जी ले लेगा, और वो एनर्जी वो सामने वाला किसमें दे रहा है, फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो डॉलर के रूप में दे रहा है, तो डॉलर का कन्वर्जन फैक्टर करके, या वो रुपीज में दे रहा है तो डॉलर में कन्वर्ट करके तब आपको चेंज करना। तो दो वर्ड है, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक है वर्क फंक्शन। क्या ये दोनों वर्ड क्लियर है, फिर से सुनते हैं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंपल भाषा, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक मेटल, ये दोनों जुड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल में अटैच। अब मैं चाहता हूं ये बाहर आ जाए, इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे, ये जो अटैचमेंट है इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये अटैचमेंट, तो एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो हर एक मेटल की अलग अलग है। तो अगर मुझे यहां इसको निकालने के लिए 500 जूल चाहिए, 500 जूल एनर्जी दूं तो ये बाहर आ रहा है, तो इस मेटल की ये 500 जूल, जूल इज एनर्जी ऑफ वर्क, तो इसे कह सकते हैं वर्क फंक्शन। तो इसका वर्क फंक्शन कितना है, 500 जूल। वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी required to eject electron, and obviously it is different from different metal. अब जो मैं एनर्जी बाहर से दे रहा हूं वो मैं किसी वेव से दे रहा हूं, और वेव के लिए एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी से ज्यादा चीजें यूज होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मैं अब आपके लिए लिख भी देता हूं, एक वर्ड है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम विच कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन कह लो या खाली इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ही बात है, विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, साफ साफ लिख देता हूँ, है कैसी बात की, पहले बोलते ना बेटा, सारे इलाज है यहाँ पे। तो
ये चीज इन्हें समझ में नहीं आई, मैं साफ साफ लिखने के लिए कह रहे हैं ये तो लिख देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, तो यहां से लिखता हूं THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताओ बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड क्लियर है? अभी नहीं क्लियर है, ओके। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? एक मिनट है, चलिए चलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब तो समझ में आ रही हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट बीम, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट बीम which can eject which can eject photo electron, the minimum frequency of incident beam which can eject photo electron, ठीक है, it is different for different, it is different for different metal, ठीक है, अलग अलग metals के लिए ये frequency अलग अलग होगी। बोलो भाई आपको clear है? चलिए बताइए threshold frequency आपको समझ में आया? अगली definition हमारी होगी work function, what is work function, ठीक है, work function देखना है। work function क्या है? यही पूरी definition है, frequency की जगह energy कर देंगे, minimum energy जिससे electron eject होता है, that is known as work function, ठीक है। तो ये definition क्या आएगी, ठीक है, the minimum energy of incident light which can eject photo electron, the minimum frequency of incident light which can eject photo electron, so ye basically energy hai yaar, ye chodo ye mujhe natak samajh nahi aata hai, hum to apne ordinary chal rahe hain। तो ये वर्क फंक्शन और ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें लगभग एक हैं। बस वर्क फंक्शन को मैं इस चैप्टर में यहाँ W से डिनोट करने जा रहा हूँ और इसे न्यू नॉट से, एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू, तो ये अगर वर्क फंक्शन है देन इट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। ये एक मेटल सरफेस है, इसको लाइट दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो भैया बाहर से जो भी लाइट एनर्जी दे रहे हो उसके अंदर आके दो काम है, कौन से दो काम है? बाहर से जो एनर्जी दी जा रही है वो अंदर आने के बाद एक तो फोर्स तोड़ेगी जिसे कहेंगे वर्क फंक्शन, और साथ में बची हुई एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, बाहर की एनर्जी अंदर आने के बाद फोर्स तोड़ेगी और बची हुई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। नाउ अगेन इट इज वेरी क्लियर कि बाहर से जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, वर्क फंक्शन तो कॉन्स्टेंट ही है, तो वर्क फंक्शन के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची होगी वो सब काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, तो मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बेटा फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोर द फ्रीक्वेंसी कहें मतलब मोर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है
कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करें। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मैंने मान लिया एच न्यू है, मतलब वहां जो आपने लाइट भेजी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, और वर्क फंक्शन है न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, एच कॉमन आ गया तो ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये आ गया आपका बेटा एक लौता फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज दिस। तो काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और यहां समझना क्या है कि अगर मैं इससे ग्राफ बनाऊं या वैसे ही आपको समझाऊं तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा। दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, इतनी फ्रीक्वेंसी देने पे तो इलेक्ट्रॉन निकले ही ना, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल आया लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी भी जीरो है। हाँ, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और इसे मैं याद करने के लिए बच्चों को ऐसे याद कराता हूं कि ये याद कर लेना, जितनी कहानी आज मैंने सुनाई सारी फेक है, सारी फेक है। फेक वर्ड का मतलब जानते हो ना, अंग्रेजी वाला फेक नहीं, वैसे कह रहा हूं। इसका मतलब क्या जरा समझो, यहां मैं ये कहना चाहता हूं कहानी फेक है का मतलब है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, और ए का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितनी बाहर की, बाहर से लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस लाइट। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? पहले यहां तक, मतलब यहां तक दिक्कत पूछने का है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर है, वर्क फंक्शन क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी क्लियर है, इंटर रिलेशन क्लियर, ठीक है। अगर मैं कहूं बाहर से जो लाइट भेज रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों ये जरा ध्यान रखना, जब आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम बढ़ाते हो, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम बढ़ाते हो, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाते हो, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या बढ़ते हैं, नंबर। एक बार सोचना मैं क्या कह रहा हूं, ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे आपने एक वेव भेजी, अब मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी बढ़ाओ, एक जैसी ही आपने 50 वेव भेजी, तो जब आप ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा भेज रहे हो, जब आप नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा भेजोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है, जैसे लाइट इंटेंसिटी होती है ना, जैसे कई बार आपने फोटोज देखे होंगे ब्लर आ रहे होते हैं, लेस फिनिश में आते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पिक्सल्स कम है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया में कितनी वेव्स आपकी आ रही हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग लाइट आती है, डार्क कलर्स होते हैं, तो ज्यादा पिक्सल्स, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वेव्स होती हैं। तो अगर आपने बाहर से वेव्स के नंबर ज्यादा भेजे हैं तो मोर वेव्स हैं, दैट इज इंटेंसिटी। तो अगर ज्यादा वेव्स भेजे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, तो मोर द इंटेंसिटी मोर द फोटो इलेक्ट्रॉन। वो क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या कराते हैं, वो कहलाते हैं कंफ्यूज, बताओ हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होगा? तो भैया इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी से कुछ लेना देना, क्यों? इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि एक वेव की एनर्जी ज्यादा है ना, इंटेंसिटी का मतलब है एक जैसी ज्यादा वेव्स आ रही है, और जब एक जैसी ज्यादा वेव्स आएंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर नहीं बढ़ता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए हम कहते हैं, पूरा वर्ड याद कर लें, फेक इन, फेक इन मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर बढ़ेगा। अब एक बार ये हमें प्रूफ करना है, पार्टिकल नेचर कैसे प्रूफ हो गया यहां से, भाई हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर प्रूफ होता है, कैसे पार्टिकल नेचर कैसे प्रूफ हुआ, इसे समझिए इस बात पॉइंट को। हम ये कह रहे हैं जो हमारी बाहर से वेव आ रही है, प्रैक्टिकली सोचना, अगर वो बाहर से वेव है, वो पार्टिकल नहीं है, अगर वो वेव है
एट ए टाइम कई जगह कोलाइड करेगी, एट ए टाइम कई जगह कोलाइड करेगी तो एट ए टाइम कई इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। कहने का मतलब एक ही वेव की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो वो अगर कई जगह कोलाइड कर रही है कई इलेक्ट्रॉन निकालती ना, जबकि एक वेव हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालती है। एक वेव एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालती, मतलब जब भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे मतलब वेव की एनर्जी बढ़ाते थे तो नंबर नहीं बढ़ते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे वो आया एक से टकराया, एक को ही निकाला, उसी को काइनेटिक एनर्जी दे दी। मतलब ये पार्टिकल था तभी तो एक ही से टकराया, एक ही को निकाला। अगर ये वेव होती जैसी आपने ज्यादा एनर्जी की वेव दी तो कईयों से टकराती, कईयों को निकालती। मतलब ये जो रिजल्ट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और नंबर नहीं बढ़ता, इससे प्रूफ होता है ये पार्टिकल था इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अगर ये वेव होती तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर भी बढ़ता। आ रहा समझ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, सर माइक ऑफ हो गया आपका, ये म्यूट में हो कैसे किया था, तुम में से किसी ने किया था, मैं अपने आप हो गया था। चलिए बॉर्डर रख रहे हैं बच्चों, हैव अ नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर।